पॉकेट डायरी हिंदी कहानियाँ। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता था और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में दो फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूलों से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है। राजदरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियाँ खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा फूल में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियों से राज दरबार में आ रही है। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एक मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता को देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहाँ से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी।